your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Okay students, today we are going to learn standard 4 subject English and our topic is a never ending story. कभी खत्म न होने वाली कहानी एंड आई एम योर वीटीसी टीचर तबस्सुम रियाज खान. देन लेट स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे, अ नेवर एंडिंग स्टोरी. यस, हियर इज द स्टोरी नेम्ड अ नेवर एंडिंग स्टोरी. फर्स्ट वी विल रीड द स्टोरी. Yes, here it is. Once there was a king. He loved stories. Tell me a story, he said all the time. Once yani ek dafa, ek martaba ki baat hai. There was a king. Kaun rehta tha? Ek raja tha. He loved story. What did the king love? The king loved stories. King को कहानियां सुनना बहुत पसंद था. Tell me a story, he said all the time. सारा वक्त वो सबसे यही कहता रहता था कि मुझे कहानी सुनाओ, मुझे कहानी बोलो, है ना? Once there was a king, he loved stories. Tell me a story, he said all the time. Come to the next slide. At the end of the story, he said, and then what happened next? Nothing. This is the end, said the storyteller. At the end of the story, हर कहानी के खत्म होने पर, end यानी खत्म होना, हर कहानी पे खत्म होने पर राजा क्या कहता था? He said. And then, अब क्या हुआ? What happened next? आगे क्या हुआ? हर कहानी के खत्म होने पर राजा एक ही सवाल पूछता था. What happened next? And then, अब क्या हुआ? आगे क्या हुआ? Nothing. This is the end, said the storyteller. Story यानी कहानी, teller यानी कहने वाला. Story बोलने वाले को कहा गया है storyteller. तो जब राजा सवाल पूछता था कि इसके आगे क्या हुआ, तो क्या कहते थे कहानी बोलने वाले? कुछ भी नहीं. ये तो कहानी का एंड था, क्योंकि हर कहानी का एंड होता है. तो वो उसे आंसर देते थे कि नथिंग, दिस इज द एंड. स्टोरी टेलर उसे आंसर देते थे. तो किंग क्या कहता था, चलिए देखते हैं. यस, Tell me a story that has no end. I want a never ending story. राजा क्या कहता था कि मुझे ऐसी कहानी बोलो जिसको जो कोई कभी खत्म ना हो, जिसका कोई एंड ना हो. एक मुझे ऐसी never ending story सुनाओ. The storyteller thought and thought. All his stories had an end. जो कहानी बोलने वाला था वो सोचता गया, सोचता गया, thought and thought, सोचता गया. But उसकी जितनी भी कहानियां थी, all his stories, उन सबकी को एक मरतबा खत्म होना ही था, उन सबको end होना ही था, है ना? Tell me a story that has no end. I want a never ending story. The storyteller thought and thought. All his stories had an end. Stories, story ka plural forms hai stories. Story singular, stories plural. Hai na? Yahan par dekhiye thought.
थिंक से बना है थॉट, थिंक यानी सोचना, उसका पास्ट टेंस है थॉट यानी के सोचा, जो गुजर गया। ओके, नाउ दिस इज एंड। एंड यानी खत्म होना। एंड का अपोजिट वर्ड है स्टार्ट, शुरू। एंड स्टार्ट बोथ आर अपोजिट वर्ड, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, व्हाट नेक्स्ट नाउ? ही कुड नॉट थिंक ऑफ ए नेवर एंडिंग स्टोरी। राजा जो है उसका जो स्टोरी बोलने वाला था उसको कभी भी जो है वो ऐसी कोई कहानी नहीं समझ में आ रही थी, वो ऐसी कोई कहानी सोच नहीं पा रहा था जो नेवर एंडिंग हो, जो कभी खत्म ना होने वाली हो। देन ही हैड अ ब्राइट आइडिया। उसको क्या हुआ, अचानक एक आइडिया आया, एक बहुत ही मजेदार अच्छा आइडिया आया। ही बिगेन टू टेल अ न्यू स्टोरी, और उसने क्या किया, एक नई स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दिया। बिगेन यानी शुरू किया, एक नई कहानी कहना शुरू किया। ही कुड नॉट थिंक ऑफ अ नेवर एंडिंग स्टोरी। देन ही हैड अ ब्राइट आइडिया। ही बिगेन टू टेल अ न्यू स्टोरी। नाउ नेक्स्ट, अब इसने कहानी बोलना तो शुरू किया स्टोरी टेलर ने, अब क्या हुआ, क्या कहानी बोलना स्टार्ट किया। वंस देयर वॉज अ किंग, ही लिव्ड इन ए बिग पैलेस। द पैलेस हैड अ बिग किचन एंड ए बिग स्टोर हाउस। देयर वर बिग हीप्स ऑफ ग्रेन इन द स्टोर हाउस। देयर वॉज ए होल इन द वॉल ऑफ द स्टोर हाउस। नाउ द स्टोरी टेलर स्टार्ट टेलिंग द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ किंग, एक दफा का जिक्र है, एक राजा था। ही लिव्ड इन अ बिग पैलेस, किंग बहुत बड़े पैलेस में, बहुत बड़े महल में रहता था। द पैलेस हैड अ बिग किचन, महल में क्या था, एक बहुत बड़ा किचन था। एंड ऑल्सो अ बिग स्टोर हाउस, स्टोर हाउस यानी गोदाम जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता है एक्स्ट्रा। तो उस पैलेस में एक बहुत बड़ा किचन था और साथ ही एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस था। देयर वर बिग हीप्स ऑफ ग्रेन इन द स्टोर हाउस। स्टोर हाउस में क्या था, बिग हीप्स यानी बहुत बड़ा ढेर था। किसका ढेर था, ग्रेन्स का यानी अनाज का बहुत बड़ा ढेर था। हिप्स यानी ढेर होना, स्टोर हाउस में अनाज का बहुत बड़ा ढेर था। देयर वॉज अ होल इन द वॉल ऑफ द स्टोर हाउस। स्टोर हाउस की वॉल में यानी दीवार में, वॉल इट मीन्स दीवार में, एक सुराख था। होल इट मीन्स सुराख था, है ना। राजा का बहुत बड़ा महल था, उस महल में बहुत बड़ा किचन था, स्टोर हाउस था, और स्टोर हाउस में बहुत सारे अनाज का ढेर रखा हुआ था। और उस स्टोर हाउस की दीवार में एक छोटा सा होल था। नाउ व्हाट नेक्स्ट? यस, अ लिटिल स्पैरो saw the hole and swiftly flew inside the storehouse. Then she picked a grain and flew away. अब क्या हुआ, a little sparrow, it means छोटी सी चिड़िया, saw the hole, छोटी सी चिड़िया ने होल को देखा, है ना। The little sparrow saw the hole and swiftly, swiftly यानी बिल्कुल आहिस्ता से, flew उड़कर आई
इनसाइड अंदर की तरफ द स्टोर हाउस, एक छोटी सी चिड़िया स्टोर हाउस के दीवार की होल से आहिस्ता से अंदर उड़कर आई। अंदर उड़कर आने पर उसने क्या किया? व्हाट शी डिड? शी पिक्ड अ ग्रे एंड फ्लीव अवे। उसने क्या किया? ग्रेन यानी अनाज के एक दाने को उठाया, पिक्ड उठाया और क्या किया? शी फ्लीव अवे और वो उड़कर चली गई। अ लिटिल स्पैरो सॉ द होल एंड स्विफ्टली फ्लीव इनसाइड द स्टोर हाउस, देन शी पिक्ड अ ग्रेन एंड फ्लीव अवे। नाउ व्हाट नेक्स्ट? Yes. What happened next? Said the king. As usual, जैसे king की एक आदत थी कि हर कहानी के खत्म होने पर वो फौरन पूछता था, What happened next? आगे क्या हुआ? The storyteller आगे start करते हैं. Then another sparrow saw the hole, flipped in, picked a grain and flew away. Storyteller क्या कहते हैं? उसके बाद एक और दूसरी चिड़िया ने होल को देखा, वो उड़कर अंदर आई, फ्लीव इन, पिक्ड अ ग्रेन, उसने अनाज का दाना उठाया एंड फ्लीव अवे और उड़कर चली गई। ओ एंड देन व्हाट किंग सेड? ओ एंड देन इसके बाद व्हाट हैपन नेक्स्ट? आगे क्या हुआ? एज यूजुअल जो किंग की आदत थी वो कहता रहता था आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, व्हाट हैपन नेक्स्ट, व्हाट हैपन नेक्स्ट, सेड द किंग। देन अनदर स्पैरो सॉ द होल, फ्लीव इन, पिक्ड अ ग्रेन एंड फ्लीव अवे। ओ एंड देन व्हाट हैपन नेक्स्ट? अब जैसे ही किंग ने उस स्टोरी टेलर को पूछा कि आगे क्या हुआ, स्टोरी टेलर ने वापस कहानी स्टार्ट किया, आगे सुनाया। देन अ थर्ड स्पैरो सॉ द होल, फ्लीव इन, पिक्ड अ ग्रेन एंड फ्लीव अवे। उसके बाद क्या उसने स्टोरी टेलर ने कहा कि अब तीसरी स्पैरो आई, उसने भी होल को देखा, अंदर उड़कर आई, ग्रेन उठाया अनाज का दाना और फिर से वो उड़ गई, she flew away। एंड देन राजा फिर पूछता है और आगे क्या हुआ, अब क्या? देन अ फोर्थ स्पैरो सॉ द होल, द स्टोरी वेंट ऑन एंड ऑन लाइक दिस। स्टोरी टेलर क्या बोलता है, अब फिर चौथी ईड़िया आई, शी ऑल्सो सॉ द होल, होल को देखने के बाद उसने क्या किया होगा, फ्लीव इन, अंदर उड़कर आई, शी पिक्ड अ ग्रेन, उसने अनाज का दाना उठाया एंड शी फ्लीव अवे और वो उड़के चली गई। और इसी तरह स्टोरी चलती गई, चलती गई, द स्टोरी वेंट ऑन एंड ऑन। उसके बाद फिफ्थ स्पैरो आई, देन कम सिक्स्थ स्पैरो, देन सेवेंथ स्पैरो, इस तरह कहानी चलती रही स्टोरी। यस, Even now, the storyteller is telling the king this story about the grains and the sparrows. Even now, अभी भी storyteller क्या कर रहा है? Storyteller राजा को grains और sparrows की कहानी सुना रहा है. Okay? If you don't believe me, you can go there and see for yourself. तो स्टूडेंट ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है, क्या हो सकता है इतने सालों के बाद भी वो स्टोरी सुना रहा होगा? नहीं, लेकिन एक इमेजिन आपको करने कहा गया है कि अभी भी जो है राजा को वो स्टोरी टेलर ग्रेन्स और स्पैरो की कहानी सुना रहा है। तो हाउ क्लेवर ही वॉज, स्टोरी टेलर कितना क्लेवर था, जब राजा को नेवर एंडिंग स्टोरी सुनाना था तो उसने कितनी अच्छी स्टोरी सुनाई जिसका कोई एंड ही नहीं है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, student, in this lesson, in this story, you have to complete some exercises. Read and learn. Now, in this story, student, there is some
numbers for you. Here are the numbers. These are called cardinal numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये अब सब जो है cardinal numbers हैं. इस story में इन numbers के ordinal numbers आए हैं. जैसे 1 का ordinal number है first, 2 का है second, 3 third, 4 fourth, 5 fifth. These all are cardinal numbers और ये जो है first, second, third, fourth, fifth, these are called ordinal numbers. ये 1, 2, 3 के ordinal numbers है. Next, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. The student remember these things that these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are all called cardinal numbers. And first, second, third, fourth, fifth, 6, 7, 8, 9, 10. These are ordinal numbers. I hope student, आप समझ गए होंगे है ना? चलिए आगे देखते हैं. Yes. Write the two words that make up these big words. अभी आपको देखिए टेक्स्ट बुक में स्टोरी में एक बिग वर्ड दिया गया था स्टोरी टेलर. ये स्टोरी टेलर इज अ वेरी बिग वर्ड लेकिन ये दो वर्ड से मिलकर बना है. स्टोरी प्लस टेलर से मिलकर बना है स्टोरी टेलर यानी कहानी कहने वाला. अनदर बिग वर्ड इज फॉर यू नेवर एंडिंग. ये भी एक बहुत बड़ा वर्ड है. ये वर्ड भी दो वर्ड से मिलकर बना है नेवर और एंडिंग से मिलकर बना है. नेवर एंडिंग कभी खत्म ना होने वाली. थर्ड वन स्टोर हाउस. स्टोर हाउस दिस वर्ड इज ऑल्सो कम फ्रॉम द टू वर्ड्स. किससे बना है? दो वर्ड से बना है. स्टोर और हाउस से बना है ना? हाउस यानी घर, स्टोर यानी जमा करके रखना या जखीरा करना. तो जहां पे जखीरा करके रखा जाता है उसे कहते हैं स्टोर हाउस. तो ये एक एक्सरसाइज हमने टेक्स्ट बुक में देखी है. तो नेक्स्ट वन. यस नाउ ट्राई टू फाइंड अनदर नेवर एंडिंग स्टोरीज. Students, now in your textbook, there are given different types of stories which are never ending. आप इसमें से कोई भी कहानी ले सकते हो. Just read the paragraph and complete the story. Anyone, कोई भी story आप complete कर सकते हो. First one क्या है? One bus came to the bus stand and went away. After 5 minutes, then another. है ना? एक bus आई bus stand पर. 5 मिनट के बाद दूसरी बस आई. 5 मिनट के बाद दूसरी बस आई. तो इस तरह ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी हो जाती है. कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी. हर बस 5-5 मिनट के बाद आती रहेगी. सेकेंड वन मैन केम फिल्ड हिज बकेट एट द रिवर एंड वेंट अवे. एक आदमी आया रिवर से अपने बकेट को फिल किया और चला गया. देन दूसरा आदमी आया बकेट को फिल किया चला गया. तीसरा आदमी आया उसने भी बकेट को फिल किया चला गया. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ नेवर एंडिंग स्टोरी. नाउ व्हाट थर्ड वन. वन वेव रोज. एक लहर ऊपर उठी. कम टू द शोर. किनारे पर आई. ब्रोक एट द शोर. किनारे से टकरा कर टूट गई. उसके बाद देन अनदर वेव रोज. केम टू द शोर. ब्रोक एट द शोर. देन Another wave rose, came to the shore, broke at the shore. This is also one type of जो है never ending story. Fourth one was given for you. It was day and then it was night. एक दिन हुआ दिन के बाद में रात आई. And then the next day, the next night, and then the next day, the next time. दिन हुआ रात आई. अगले दिन फिर दिन हुआ फिर रात आई. नेक्स्ट डे फिर दिन हुआ फिर रात आई. एंड दिस कंटिन्यूअसली गोज ऑन. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ नेवर एंडिंग स्टोरीज.
Now the fifth and the last one is, Munnu said, I will do my homework tomorrow. मुन्नू क्या कहता है, मैं अपना कल होमवर्क करूंगा. द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो दोबारा कहता है, ही सेड आई विल डू माय होमवर्क टुमारो, कल मैं अपना होमवर्क करूंगा. द डे आफ्टर, उसके बाद वापस वो कहता है, आई विल डू माय होमवर्क टुमारो, आई विल डू माय होमवर्क टुमारो. दिस कम्स ऑन कंटिन्यूअसली, है ना, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है. रोज वो यही बात कहता है क्योंकि उसे रोज होमवर्क करना होता है कि मैं कल होमवर्क करूंगा, कल होमवर्क करूंगा. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ नेवर एंडिंग स्टोरीज. नाउ व्हाट इज योर होमवर्क स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये स्टोरी को अच्छे से फर्स्ट टाइम रीड करना है. देन इसमें जो एक्सरसाइजेस हमने आपको की करवाई है अभी, वो सब एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. एंड द लास्ट, आपको क्या करना है, ये पांचों में से कोई भी एक स्टोरी विच इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, आपको नोटबुक में लिखना है एंड यू हैव टू शो टू योर टीचर. आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, यू विल लाइक दिस स्टोरी. नाउ थैंक यू फॉर दिस टाइम, अल्लाह हाफिज. स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके. तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक. आई होप स्टूडेंट व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे इज यू लर्न वेरी वेल and understood very well. So please do your homework. Okay? And we will meet next time inshallah. Allah Hafiz till then.